कोई बात बिगड़ जाए, अगर कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना सिर्फ एक ही नाम। किसका नाम? रिंकू सिंह का। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इसको कहते हैं फेटा फेटा फेटा। फेटा भी छोटा लफ्ज है। 235 रिंकू सिंह द डिस्ट्रॉयर, 9 बॉले भाईजान और 31 रन, 9 बॉले 31 रन, कोई 350 की। ये इंसान है, जिन है, सुपर ह्यूमन है, कहां से पकड़ के लाए इसको भाई? सिलेंडर बेचता था अब्बू के साथ, जायसवाल के अब्बू गोलगप्पे यानी पानी पूरी बेचा करते थे। दोनों बच्चे जानते हैं कि वो किस तरह से 1 अरब 40 करोड़ के देश में आगे आए। उन्होंने मैक्सवेल को देखा, उसको याद आ गया वर्ल्ड कप के साले तुझसे हार गए हम। आज इंडिया अपनी एक टीम को बिठा दे, ए टीम को भी बिठा दे, इस टीम को भी बिठा दे, इनके पास 2 टीमें और पीछे तैयार हैं, उनको भी खिला के ना किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ी किस्मत अच्छी है कि फाइनल जीत गए हैं। बेटा ये वो टीम इंडिया जिसमें आपको सारे का सारा आईपीएल का टैलेंट नजर आ रहा है। तो यशस्वी जायसवाल ने आज जितना शुरुआत की, उसने बताया मैं इतना खास और इतना स्पेशल टैलेंट हूँ कि सरफेस मैटर नहीं करता। एक टाइम पे 12 की एवरेज से अगर स्कोर जाता तो स्कोर 297 तक जा रहा था। इतना हमारे से ओडीआई में नहीं होता इंडिया। और सर इंडिया है, वो इंडिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। तो दोस्तों, आपने आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देखा होगा जो कि तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जहां दोस्तों भारत ने पहले बैटिंग करते हुए एक ऐसा लक्ष्य खड़ा किया जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नामुमकिन था, जहां दोस्तों हमारी ओपनिंग जोड़ी ने एक अच्छी नींव रखी और जायसवाल ने बहुत ही अच्छा खेला। फिर आखिरी में आकर के रिंकू सिंह ने पूरे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पीट दिया। और तो अब हमारे इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही कम रेंज में रोक दिया, जिसे देख करके अब साफ पता चल रहा है कि भारत में डोमिनेंस हमेशा बनी रहेगी। और अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप की तरफ देखा जा रहा है जो कि 3-4 महीने में ही होने वाला है और जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इसके साथ अब हमारे कैप्टन रोहित शर्मा T20 खेलते हुए फिर से नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इसको कहते हैं फेटा फेटा फेटा। फेटा भी छोटा लफ्ज है। 235 रिंकू सिंह द डिस्ट्रॉयर, यशवी जायसवाल द बिगिनर, देन ईशान किशन द काम फैक्टर, देन असॉल्टिंग टू एन एक्सटेंट कि ना ऑस्ट्रेलिया सोचे, परेशान हो जाए कि भाई साहब ऋतुराज को पकड़े, ईशान किशन को पकड़े, जायसवाल को पकड़े, तिलक वर्मा को पकड़े या रिंकू सिंह को पकड़े, पकड़े तो किसको पकड़े। 235 जो इंडिया की बैटिंग सुप्रीमेसी है जो कि साला साल से चलती आ रही है, फ्रॉम ऑल द वे, फ्रॉम सुनील गावस्कर टू सचिन टू देन टू विराट कोहली नाउ टू दीज यंग बॉयज, वो बैटिंग सुप्रीमेसी आज आपको फिर दिखी। ये 235 का विकेट नहीं है, या यशवी जायसवाल ने आके जो दे मार 4.5 शॉन एबट के पहले ओवर में 24, शुरू के 2 ओवर के अंदर 10 रन, तीसरे ओवर मैक्सवेल 15 रन, चौथा ओवर 24 रन, एकदम से यशवी जायसवाल ने भाई साहब बोला कि मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो झुकूंगा नहीं। बढ़ना उसके बाद एक फेज आया जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लाइन लेंथ को जरा खींचा, स्लोनेस ऑफ द विकेट को इस्तेमाल किया, थोड़ा सा स्लो फेज हुआ जहां ईशान किशन और ऋतुराज ने इनिंग्स को बिल्डअप किया। फिर ईशान किशन ने आज जिस किस्म की मेच्योरिटी दिखाई है, ये मेच्योरिटी ईशान किशन की तरफ से चाहिए होती है, जो पिछला विशाखापट्टनम के अंदर जो 50 मार के आया था ईशान किशन, आज उससे कहीं गुना बड़ा 50 था। जो यशवी जायसवाल ने आज जितना शुरुआत की, उसने बताया मैं इतना खास और इतना स्पेशल टैलेंट हूं कि सरफेस मैटर नहीं करता, इंटेंट मैटर करती है। कोई भी सरफेस हो, स्लगिश विकेट हो यहाँ की या आपको विशाखापट्टनम का, बिल्कुल फ्लैट डेक हो, मेरी अप्रोच एक ही तरीके से रहेगी। लेकिन रिंकू सिंह ने आखिर में जो दाल, एक कहते हैं ना कि 4-5 दालें मिला के एक बड़ा मुगलई किस्म की दाल बनाई, उसके ऊपर जो आके तड़का लगाया, ये रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह इज द वन हु शुड बी इन्वेस्टेड इन, ये मैं बात कब से कह रहा हूं और हर गुजरते मैच के साथ ये मेरा यकीन और ये मेरी बात इसको कंफर्मेशन देती है और उसके ऊपर स्टैंप लगाती है। द बॉय लाइक दिस, ही हैज गॉट अ लाइन स्टार्ट। आज भी देखिए 9 बॉलें, 31 रन, 2 छक्के, 4 चौके फ्रॉम द वर्ल्ड गो, बॉल नंबर 1 से आके ही शोड दैट आई हैव इन मी, आई हैव दैट इंटेंट इन मी। और वो कहते हैं ना कि लोहे फौलादी दिमाग आपके पास होना चाहिए तो इंटेंट होती है। आखिरी 2 ओवरों के अंदर 45 रन आए, अगर मैं आखिरी 4 ओवरों को यहां जोड़ लूं तो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के सामने 45 रन आखिरी 2 ओवरों के अंदर, 17 रन उससे पहले 2 ओवरों के अंदर, तो ये लगभग 62 रन लास्ट 4 ओवरों के अंदर, लास्ट 5 ओवरों के अंदर 71 रन। दिस इज एन इंटेंट दैट यू नीड टू शो कि अगर आपके पास यहाँ लपेटा आपने मार दिया है
और ऊपर से यहां पुश फॉरवर्ड करते हुए बल्लेबाज आ रहे हैं, तो आपने उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है और उस मोमेंटम को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ता है रादर देन गेटिंग इनटू अ शेल। बट व्हाट अ ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, एंटायर टीम इंडिया, यहां जितने बैटर्स आए हर बैटर ने यहां इस इंटेंट के साथ मुकाबला किया कि नहीं भाई साहब वी हैव गॉट अ स्टार्ट एंड वी नीड टू पुट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। शॉन एबट का पहला ओवर 24 रन, शॉन एबट का आखिरी ओवर 25 रन, मतलब जो हशर नशर आज यशवी जायसवाल और रिंकू सिंह ने शॉन एबट का किया। और शॉन एबट तो टी20 में आते ही इसी वजह से बिकॉज ही कंसीडर ऑस्ट्रेलिया कंसीडर हिम एज अ डेट ओवर स्पेशलिस्ट एंड गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ स्मैकिंग इन डेट ओवर्स वाज जस्ट डैम टू गुड। बट अ गाय दिस रिंकू सिंह इज स्मॉल इन हाइट बट ही गॉट ब्रेव ब्रेव हार्ट एंड ही इज डूइंग दिस मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच। वाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आखिरी 18 बॉलों में 52 रन आए हैं, 52 रन्स। मैंने ट्वीट किया 283 पे 18 बॉल टू लेफ्ट, मैंने कहा 230 आएगा, तो एज यूजुअल कुछ लोग परेशान हो जाते हैं 50 रन कैसे आएंगे 18 बॉलों में, मजाक। वो वाकई 50 नहीं 52 आ गए। तो रिजवान इसका नाम जो है ना, अभी अभी मुझे फोन आया सरफ एक्सेल वालों का, उन्होंने कहा हमने अपना नाम सरफ एक्सेल से रिंकू एक्सेल कर दिया, तो आज के बाद हमारे डिटर्जेंट का नाम है रिंकू एक्सेल सिंह। तो भजन तोबा तोबा, एक 24 बालों में 50, एक 29, और कीप इन माइंड ईशन किशन के 10 बालों में 11 इस तरह खेल रहा था, उसने 29 बालों में 50। गायकवाड़ जरा द सुस्त ऑफ द लॉट, 39 बॉल्स 50। लेकिन जब एक तरफ मेला सजा हुआ और रिजवान साहब छक्का 24 रन बनाए, 24 रन बनाए एबट के ओवर में जायसवाल ने, पहले 3 लगातार चौके फिर 2 लगातार छक्के, तो रिंकू ने कहा बेटा आपने 24 बनाए मैं 25 लूंगा, तो फिर रिंकू सिंह की धुलाई 19वां ओवर जो था वो 25 रन का आया रिजवान साहब, और जो आखिरी ओवर था वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह 215 20 रन का आया। तो आखिर में जिस तरह देखो स्काई ऐसे ही खेलेगा, तिलक वर्मा 2 बॉले 7 रन, लेकिन ये देखिए 9 बॉले भाईजान और 31 रन, 9 बॉले 31 रन, कोई 350 की ये इंसान है, जिन है, सुपर ह्यूमन है, कहां से पकड़ के लाए इसको भाई, क्या एबट है, क्या एलएस है, क्या फुलाना है, क्या ढिमकाना है, ही नोज ओनली वन वे ऑफ टॉकिंग एंड लेट द विलो डू द टॉकिंग। इसका बल्ला जो है भाईजान वो लगता है ऐसे जैसे इसने पाव में, अभी मुझे लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले एक कंप्लेंट करेंगे आईसीसी से कि रिंकू सिंह के जूते दिखाएं, ये ऐसा लगता है उछलता है और हाथ से नहीं पांव से जाके एक बॉल को ग्राउंड के बाहर फेंक आता है। तोबा 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 रिजवान साहब, इट वॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इस तरह आप कभी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैच कर रहे हैं कि उतने तो 50 ओवर में किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले संडे को, उतने 20 ओवर में हो गए हैं आज।